everyone, I am Sonam. Welcome back to my YouTube channel अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे चैनल अपना विद्यालय आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास टेंथ विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, जो कि आप सभी के विद्युत चैप्टर से है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चैप्टर से है, और सबसे ज्यादा आप सभी के क्लास टेंथ साइंस में विद्युत चैप्टर से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और सबसे ज्यादा नंबर के होते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो आप सभी लोगों के लिए चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो हम आप सभी को बताएंगे ये आप सभी के NCERT से, ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी जो आपका बोर्ड पेपर बनता है वो NCERT बुक से ही बनता है। इससे बाहर कोई भी प्रकाशन के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, और इसलिए हमारा जो चैनल है वो 100% गारंटी के साथ आप सभी को सिर्फ और सिर्फ NCERT के क्लास टेंथ के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। अगर आप भी चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में इस बार टारगेट आप लोग बनाए हुए हो कि इस बार आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर, ठीक है, एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये जो आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे इस वीडियो में वो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 101% गारंटी की पक्का आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल से क्लास टेंथ साइंस की संपूर्ण तैयारी करेंगे तो आप सभी का 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिए। तो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और 100% गारंटी है कि इस बार भी ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में छपा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन दिए हुए, लेकिन जो प्रतिरोध का मात्रक होता है, यानी कि यहाँ पे V बराबर क्या होता है, I × R, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V/I, यानी R जो है यहाँ पे ये प्रतिरोध है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे V का जो मात्रक होता है वो बोल्ट होता है, क्या होता है, बोल्ट होता है, और यहाँ पे जो I का होता है वो एम्पियर होता है। तो यहाँ पे जो बोल्ट, ठीक है, बटे एम्पियर है, इसको क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। और ओम को कैसे शो करते हैं, तो यहाँ पे ये जो सिंबल है ये ओम का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ओम, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है, और बाकी ये सब क्या है, अनराइट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन अगर रहता है इसमें कि बोल्ट बटे एम्पियर, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बोल्ट बटे अगर ओम ना रहता तो यहाँ पे आप लोग बोल्ट बटे एम्पियर को सही निशान मारते, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप सभी को तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन लिए वो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, ठीक है, हर साल आते हैं ये क्वेश्चन। एक प्रोटॉन पर, ठीक है, विद्युत आवेश की मात्रा होती है, यानी एक प्रोटॉन पे कितनी विद्युत आवेश की मात्रा होती है, ठीक है। तो एक प्रोटॉन पर जो होता है वो विद्युत आवेश की मात्रा, ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि इस ऑप्शन नंबर सी 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हमने, ठीक है, 1.6 के आगे यहाँ पे सिर्फ आप सभी को इस तरह से पॉजिटिव लगा देना है, ठीक है। इस तरह से ये सिंबल नहीं भी रहता है फिर भी आप लोग इस तरह से लिख सकते हो सिर्फ कि 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है, यहाँ पे आपको माइनस नहीं लिखना है, 19 कूलम लिखना है सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इससे पहले हम आप सभी को बता दें ये जो विद्युत चैप्टर है, ठीक है, इसका हमने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, अति लघु, ठीक है, लघु उत्तरी सब कुछ बता चुके, और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी आप सभी को बता चुके। अगर आप लोग नहीं देखे तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल से देख लीजिए, और आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो, ठीक है, क्लास टेंथ साइंस के प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बना है, वहाँ पे आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, तो यहाँ पे देखिए आपको रटना नहीं है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, ठीक है, यहाँ पे आप सभी को ये तैयार रखना है, यानी कि आपको इसे सूत्र से निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, और यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए, लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे क्यू बराबर क्या होता है, I × T, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्यू है ये क्या है, आवेश है, ये क्या है, चार्ज है,
और यहाँ पे आई जो है वो धारा है, ठीक है, जिसका मात्रक एम्पियर होता है। टी जो है वो सेकेंड है यानी कि समय है, ठीक है, इसका मात्रक सेकेंड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू यानी आवेश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम्पियर और फिर इसके बाद इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू को हमने कहा बताया कि यहाँ पे क्यू को क्या कहेंगे, आवेश है। क्यू क्या है, आवेश है, जिसे चार्ज कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का, विद्युत धारा का, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा राइट होगा, आपको इस सूत्र से पता चल गया होगा जो यहाँ पे हमने बताया, ठीक है, यानी एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, आवेश का है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है तीसरे का, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपके एग्जाम में हर साल आता है और इस बार भी गारंटी जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा दिया हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन है इस पे कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1.6, ठीक है, 6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और हाँ आप लोग इसके बाद जो हमने बताया कि वीडियो बता चुके हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है इससे सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप लोग जल्दी से उस क्वेश्चन को देखने के बाद तब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ऐसे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो यहाँ पे विद्युत धारा का मात्रक, ठीक है, यानी कि धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा वो 20 नंबर का आएगा, ठीक है, इसलिए आप सभी को, ठीक है, डेली आपको 10 इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन को डेली सॉल्व करना है और उसे याद करना है, तभी आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में अपने 20 नंबर क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है छठवां कि 5 प्रतिरोधों को, ठीक है, यानी प्रतिरोध कितने हैं, 5 है, ठीक है, 5 प्रतिरोधों को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध, ठीक है, 1/5 ओम है, कितना दिया हुआ है, 1/5 ओम है, इनका उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है जिसमें से कोई एक ऑप्शन राइट रहेगा, तो यहाँ पे 1/5 ओम, ठीक है, 10 ओम, 5 ओम और 1 ओम। तो यहाँ पे हम देखिए, जैसे आप सभी को बता दे कि यहाँ पे 5 प्रतिरोधों को, यानी कि जिनमें से प्रत्येक प्रतिरोध 1/5 ओम है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, क्या हो जाएगा, जैसे आर एस यस का मतलब क्या हो जाएगा, सीरीज यानी श्रेणी क्रम, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू कैपिटल आर, ठीक है, यन जो है ये किसका मान दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 5 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, तो यहाँ पे हमने यन के जगह पर हम 5 रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 1/5 ओम, तो यहाँ पे कैपिटल आर का मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर एस बराबर एन के जगह पे 5 इंटू इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 से 5 कट जाएगा, तो बाकी यहाँ पे आर एस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 ओम, इस तरह से आप लोग सिंबल भी लिख सकते हो और यहाँ पे ओम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले हम आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है वो 100% गारंटेड क्वेश्चन है और वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। और बाकी के आप लोग अगर यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन जितने भी बता रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी बार नहीं आता है, सिर्फ अपने व्यूज के लिए आप सभी लोगों के जिंदगी के साथ वो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग ऐसे चैनल से मत पढ़िए बिल्कुल भी, जो कि अपने व्यूज के लिए आपको किसी भी तरह के बिना आए यानी बिना इम्पोर्टेंट वीडियो को, बिना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी दे दे रहे हैं। तो आप लोग ऐसे चैनल से पढ़िए जो 100% NCERT क्वेश्चन को पढ़ाता हो और 100% गारंटेड क्वेश्चन हो जो आपके एग्जाम में आता हो। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप लोग शेयर कीजिए, और इस वीडियो को आप लोग कम से कम 100 लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, यानी इतना आप लोग शेयर कीजिएगा, हम भी देखेंगे कि आपके कितने फ्रेंड है, आप लोग इतना शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट अगर आप लोग को पसंद आए तो जरूर कर दिया करिए लास्ट में,
जिससे मुझे भी लगता है कि नहीं आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, और हमारे मेहनत का फल मिल रहा है मुझे, यानी हम पढ़ा रहे हैं मेहनत से, तो कोई पढ़ भी रहा है काफ़ी मेहनत से, ठीक है, ऐसे लगता है कि आप लोग अच्छे नंबर लाओगे। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल से पढ़ोगे तो 100% गारंटी कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 95% आएगा और आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बनेंगे, क्योंकि हमारे चैनल से पढ़ करके हर साल स्टूडेंट जिला टॉप ही नहीं बल्कि प्रदेश टॉप भी करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर करना चाहते हो इस बार प्रदेश टॉप, ठीक है, और एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो आप लोग हमारे चैनल से स्टडी कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताते हैं ना, सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हम अपने समय के एक टॉपर स्टूडेंट हैं, ठीक है, एज ए टॉपर स्टूडेंट। तो अगर आप लोग हमारे चैनल से पढ़ोगे तो वो गारंटी है कि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन छपा रहेगा। जितने भी क्वेश्चन बताते हैं आप लोग, जब पेपर देने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि पूरी छपी हुई क्वेश्चन हमारी बताई हुई आपके पेपर में छपा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि बिजली के बल्ब में, ठीक है, तंतु होता है, यानी जो बिजली का बल्ब होता है उसमें उसका जो तंतु होता है यानी जिससे बिजली वर्ती प्रकाश होती है, ठीक है। अगर आप लोग बल्ब में ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ इस टाइप का, ठीक है, यानी कि इस टाइप का आपको कुछ टंगस्टन दिखेंगे, यानी इस तरह से तंतु दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि ये जो तंतु ये किस धातु का बना होता है, तो यहाँ पे जो बिजली के बल्ब में तंतु होता है वो टंगस्टन धातु की बनी होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, ठीक है, यानी कि क्या पूछ रखा है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो यहाँ पे किसका है, ऊर्जा का, ठीक है, एनर्जी का किलोवाट घंटा क्या होता है, राशि का मात्रक होता है, ठीक है। अगर आपको इम्पोर्टेंट मात्रक चाहिए, ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और इम्पोर्टेंट फार्मूला तो हमने पहले ही बता चुका है। इससे पहले हम आपको बता दें कि हम क्लास टेंथ साइंस के, ठीक है, यानी कि जो इसके साइंस का, यानी जो आप सभी का साइंस है, ठीक है, इसके तीन पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक हो गया केमिस्ट्री, ठीक है, दूसरा हो गया आप सभी का बायोलॉजी, और तीसरा हो गया फिजिक्स। तो यहाँ पे देखिए जो तीनों यहाँ पे पार्ट दिए हुए, ठीक है, इसमें से हमने जो ये केमिस्ट्री वाली पार्ट है इसको पूरा करा चुका है, यानी पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता चुके। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बायोलॉजी है, तो इसके हमने यानी पूरा एक पार्ट में कई पार्ट दिए हुए जिसको हमने पूरा करा चुका है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बात आती फिजिक्स का, ठीक है, तो इसमें हमने जो वैद्युत चैप्टर है इसके पीछे के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सभी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, 60 क्वेश्चन न्यूमेरिकल सब कुछ पढ़ा चुके। और आता है वैद्युत चैप्टर, तो यहाँ पे हमने वैद्युत चैप्टर के सब कुछ बता चुके हैं, और आज हम आप सभी को लास्ट में बहुविकल्पी क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल से पढ़िए, सबसे ज्यादा तेजी से हमारे चैनल से पढ़ाई जा रही है, और जो लेट से पढ़ा रहा है ना वो आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है, और आते आते आपकी पूरी चैप्टर पूरी नहीं हो पाएगी और आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। अधूरी पढ़ाई किसी काम की नहीं होती, और आप लोग कभी भी 95% नहीं ला पाएंगे अधूरी पढ़ाई पढ़कर। इसलिए देखिए जल्दी तेजी से आप लोग पढ़िए और हार्ड वर्क कीजिए, और इस समय आप लोग कठिन से कठिन परिश्रम कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, यानी एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति बराबर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर में बिल्कुल छपा हुआ है, ठीक है, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, यानी जो वैद्युत शक्ति है, ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे वाट, वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है, यानी जो वैद्युत धारा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसको किससे मापते हैं, यानी नापते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर, अमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे ऊर्जा मीटर। इसमें से ऑप्शन कौन सा राइट है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। अगर आपको नहीं पता रहेगा फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए कि मुझे नहीं पता, आप बता दो मैम, ठीक है, तो हम आपको बता देंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिए। और भी हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो अपलोड है, बिना पढ़े पास होने की सभी सब्जेक्ट में वीडियो अपलोड है, ठीक है। आप लोग अगर आपकी मैथ कमजोर है तो आप लोग हमारे चैनल से मैथ में पास होने की ट्रिक बिना पढ़े देख सकते हो, और बोर्ड एग्जाम की कॉपियां कैसे चेक होती है आप सभी की,
2023 में कैसे चेक होगी, तो इस सभी टॉपिक पे वीडियो हमारे डेली अपलोड हो रहे हैं ट्रिक के, तो आप लोग जल्दी से देखो। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।